अस्सलाम वाले वालेकुम भाई, रहमतुल्लाह बरकातहू। मेरे सभी नौजवान भाइयों और मेरी हिंदुस्तान की आवाम, हमारा वीडियो रिलीज़ करने के पीछे ये मकसद है। वैसे हम लोग इन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं कि हम लोग फेसबुक पे लाइव आ जाए या व्हाट्सएप पे स्टेटस में अपना कुछ डाल दें या अपनी पब्लिसिटी कराएं, या ये कोई पब्लिसिटी स्टंट या पॉलिसी एक्ट हम लोगों को नहीं आता है। हम लोग ज़मीनी स्तर की लड़ाई पर बिलीव करने वाले लोग हैं, लेकिन क्या है ना, जो दिखता है वो बिकता है। इसलिए आज हम लोग भी एक वीडियो रिलीज़ कर रहे हैं, और इस वीडियो को रिलीज़ करने के पीछे मकसद है, जो हिंदुस्तान में इतना अफरा तफरी मची हुई है 25 तारीख को लेकर, जिस दिन ये संजय लीला बंसाली भांड जो ये मूवी रिलीज़ कर रहा है पद्मावती, उस पर हम लोग कुछ बोलना चाहते हैं कि 5 राज्यों पे ये मूवी बैन की गई। वो 5ों राज्य भाजपा शासित है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। फिर ये नहीं समझ में आया कि जब 5 राज्यों में बैन किया गया तो पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं बैन किया गया। एक आदेश ही तो देना था, सिर्फ एक आदेश। क्या हमारी सरकार एक मूवी बैन नहीं कर सकती, जब हमारे लाखों करोड़ों राजपूत भाइयों की भावनाएं आहत हो रही हैं, तो क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि इस मूवी को बैन कर दिया जाता? अगर, और मैं यही सवाल मुसलमानों से, अपने मुस्लिम भाइयों से पूछना चाहूँगा कि क्या अगर हम ये मूवी नहीं देखने जाते हैं तो क्या हमारा हज कबूल नहीं होगा, या हमारी नमाज कबूल नहीं होगी, या हम दोजखी हो जाएंगे? क्या किसी ने ये बताया है? ऐसा तो कुछ नहीं है। तो मैं अपने सारे मुसलमान भाइयों से, युवा मंच के सभी मुस्लिमों से ये गुजारिश करूंगा कि इस फिल्म का बाइकॉट करें और कोई भी पद्मावती पिक्चर देखने न जाएं। और एक नारा गूंजा, उसको सुन के बहुत अच्छा लगा कि माँ सती के सम्मान में राजपूत खड़े मैदान में। और उससे भी ज़्यादा अच्छा तब लगा जब ये सुनने में आया कि माँ सती के सम्मान में हिंदू खड़ा मैदान में। पर दिल को खुशी तब मिलती, दिल को सुकून तब मिलता जब ये नारा थोड़ा और डेवलप होता और नारा ये निकल के आता कि माँ पद्मावती के सम्मान में हर हिंदुस्तानी खड़ा मैदान में। और आज हम वही बोलने आए हैं कि माँ सती के सम्मान में हर हिंदुस्तानी खड़ा है मैदान में, और हर मुसलमान खड़ा है मैदान में। और मैं अपने राजपूत भाइयों से एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं और मेरी पूरी टीम हुसैनी ब्रिगेड आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और कदम से कदम मिलाकर हम माँ सती पद्मावती के सम्मान के लिए आखिरी सांस रहने तक लड़ाई लड़ेंगे। और हम मुसलमान हैं, हम अगर किसी का विरोध करते हैं तो खुला करते हैं, अगर समर्थन देते हैं तो खुला करते हैं, डरते नहीं है किसी से, जो बोलते हैं खुला बोलते हैं। यही हमको सिखाया गया है। हम ये नहीं कि पहले बोल दे हम आपके साथ हैं फिर बोल दे हम आपके साथ नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। राजपूतों का ऋणी ये देश है, राजपूतों के ऋणी हम हैं, और हम अपना ऋण भूले नहीं हैं और हम उसे चुकाएंगे। माँ पद्मावती फिल्म को हम रिलीज नहीं होने देंगे। हम अपने राजपूत भाइयों के सम्मान के लिए क्या ये कुर्बानी नहीं दे सकते हैं? जरूर दे सकते हैं। क्या बोलते हो भाइयों? दे सकते हैं। जहाँ पे राजपूत भाइयों को हम मुसलमानों की जरूरत हो, एक आवाज दे, आवाज ना भी देगा, एक इशारा कर देगा, उसके लिए मर मिटने को तैयार हैं। पद्मावती सिर्फ राजपूतों का गौरव नहीं है, हिंदुस्तानियों का गौरव है, और हिंदुस्तान में हम मुसलमान हिंदुस्तानियों का गौरव हो। जिस तरह माँ सिर्फ माँ होती है, ना वो हिंदू होती है, ना मुसलमान होती है, ना सिख होती है, ना ईसाई होती है, उसी तरह माँ पद्मावती सिर्फ राजपूतों की माँ नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान के युवाओं और पूरे हिंदुस्तान की माँ है। और हम अपनी माँ के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद जो था, मैं आपके सामने बता दिया। अगर मेरी किसी बात से किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह को आहत हुआ हो या किसी तरह का दुख पहुंचा हो, तो अपना भाई समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपने तहे दिल से आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं। हुसैनी ब्रिगेड हमेशा राजपूत के साथ खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।